बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो चुकी है। चार साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले रणबीर कपूर दर्शकों की उम्मीद पर खड़ा उतरने में नाकामयाब रहे। 22 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई शमशेरा की कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक हफ्ते में केवल 52 करोड़ रुपये ही हो पाई है, जिसमें से 40 करोड़ इंडिया का कलेक्शन है और करीब 12 करोड़ यह फिल्म विदेशों से कमाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 150 करोड़ रुपए के बजट में बनी यह फिल्म अपने बजट के आधी कीमत भी नहीं वसूल कर सकी। शमशेरा फिल्म से रणबीर कपूर के साथ साथ यशराज बैनर को भी काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन ये फिल्म अब इन उम्मीदों पर पानी फेर चुकी है। फिल्म के फ्लॉप होने के बाद डायरेक्टर करण मल्होत्रा ने ट्विटर पर अपना दर्द बयां किया है। शमशेरा के निर्देशक करण मल्होत्रा ने शमशेरा को कोट करते हुए ट्विटर पर लिखा, मेरे प्यारे शमशेरा, आप जैसे हैं वैसे ही इफेक्टिव है। मेरे लिए इस मंच पर खुद को व्यक्त करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह वो जगह है जहां आपके लिए प्यार, नफरत, खुशी और अपमान मौजूद है। उन्होंने आगे लिखा, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं नफरत और गुस्सा सहन नहीं कर सकता था। मेरा तुम्हारा साथ न दे पाना मेरी कमजोरी थी और इसके लिए कोई बहाना नहीं है, लेकिन अब मैं आपके साथ खड़े होकर गर्व और सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि आप मेरे हैं। शमशेरा के निर्देशक ने यह भी कहा, हर चीज़ का सामना एक साथ करेंगे, अच्छा, बुरा और बदसूरत। शमशेरा परिवार शमशेरा के कलाकारों और क्रू मेंबर्स के लिए बहुत सम्मान है, जिन्होंने हमें इतना प्यार और आशीर्वाद दिया और हमारे बारे में सोचा। वह सबसे कीमती है और इसे कोई भी हमसे दूर नहीं कर सकता है। इसी तरह का कुछ ट्वीट संजय दत्त ने भी किया है। संजय दत्त अपने ट्वीट में लिख रहे हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उन्होंने कहा कि फिल्म एक जुनून है, यही जुनून स्टोरी बयां करती है। आप ऐसे किरदारों से मिलते हैं जिनसे आप पहले कभी नहीं मिले होते हो। शमशेरा हमारे लिए बेहद खास है। ये मूवी हमारे खून पसीने और आंसुओं से बनी है। ये एक सपना है जिसे अपने स्क्रीन पर दिखाया है। हर फिल्म को दर्शक मिल ही जाते हैं, या तो पहले या फिर बाद में। जहां संजय दत्त के ट्वीट में शमशेरा इज आवर्स का हैशटैग लिखा है, वहीं करण मल्होत्रा के ट्वीट में शमशेरा इज मैन का हैशटैग लगा हुआ है। हम आपको बताते चलें कि निर्देशक करण मल्होत्रा द्वारा निर्देशित इस फिल्म का स्क्रिप्ट भी बेहद खराब है, जिसे समीक्षकों ने भी नकार दिया था। कहानी में कोई दम नहीं है। रणबीर कपूर इस रोल में जचे नहीं है। उनकी आवाज़ भी डाकू वाली नहीं बन पाई है। यशराज फिल्म्स के लिए यह साल बहुत ही बुरा चल रहा है, क्योंकि उनकी एक और बड़ी बजट वाली फिल्म अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो चुकी है। उस फिल्म का बजट लगभग 175 करोड़ रुपए का था। फिल्म एनालिस्ट कह रहे हैं कि एक तो बॉलीवुड के पहले से ही बुरे दिन चल रहे हैं, ऊपर से शमशेरा के सुस्त प्रतिक्रिया ने सब कुछ गुरगोबर कर दिया है। लेकिन बॉलीवुड की बड़ी बजट की फिल्में फ्लॉप क्यों हो रही है, ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। शमशेरा के डिजास्टर साबित होने के बाद निर्देशक करण मल्होत्रा ने ट्विटर पर लिखा कि वह फिल्म के लिए नफरत नहीं झेल पाए। संजय दत्त ने कहा कि शमशेरा देर सवेर अपना दर्शक ढूंढ ही लेगा, लेकिन इन दोनों कलाकारों ने वह बात नहीं कही जिस कारण दर्शकों ने इस फिल्म को खारिज कर दिया। वो दर्शक जो 150-200 रुपये खर्च करके 2.5 घंटे मनोरंजन के लिए गए थे, लेकिन हताश होकर सिनेमाघर से बाहर निकले। शमशेरा का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तो ये तुरंत चर्चा में आ गया। वजह थी इस फिल्म का बायकॉट। सोशल मीडिया यूजर्स ने धड़ल्ले से इस ट्रेलर पर रिएक्ट किया और मेकर्स की खिंचाई की। शमशेरा बायकॉट की वजह थी संजय दत्त के किरदार का नाम और लुक। लोगों ने इस पर हिंदू भावनाओं के आहत करने का आरोप लगाया। लोगों ने इस मूवी में हिंदू को एक खतरनाक विलेन के रूप में दिखाए जाने पर आपत्ति जताई थी। लेकिन फिर भी अगर फिल्म में दम होती तो बॉक्स ऑफिस की कहानी कुछ और ही होती, लेकिन यहाँ तो स्टोरी और स्क्रीन प्ले ही फिसड्डी साबित हुई। साउथ फिल्मों को कॉपी करने के चक्कर में बॉलीवुड बर्बाद हो रहा है। वहीं एक डाकू के किरदार में रणबीर कपूर किसी मजाक की तरह लगे हैं। कहानी की भी बात करें तो यह एकदम सिंपल थी। एक डाकू है और वह अपनी माँ को बचाने के लिए आया है। फिल्म मेकर्स ने साउथ से इंस्पिरेशन तो ली, लेकिन कहानी की परतें और सस्पेंस बनाने में वह फेल हो गए। दूसरे किरदार की बात करें तो 25 साल तक विलन दरोगा शुद्ध सिंह के चेहरे पर झाई तक नहीं आई। 25 साल बाद भी संजय दत्त का किरदार वैसे ही था, और सालों बाद जब रणबीर कपूर से उसका मुकाबला होता है तो भी शुद्ध सिंह जस का तस बना रहता है। ये अपने आप में हास्यास्पद सा लगता है।
बॉलीवुड वालों को अब यह समझ लेना चाहिए कि सिर्फ स्टार के नाम पर अब फिल्में नहीं बेची जा सकती है, क्योंकि हाल के दिनों में हर बड़े स्टार अपने करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म दे चुका है। फिल्म की अगर कहानी में दम हो तो ढाई क्या, 3 घंटा भी ऑडियंस अपने आप को बांधने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसी कमजोर पटकथा के साथ 2.5 घंटा दर्शकों को चुभ सकता है। अगर शमशेरा की समय सीमा कम करके इसे थोड़ा सा टाइट किया गया होता तो शायद रिजल्ट बेहतर आता। तो कुल मिलाकर बात एक ही है कि कंटेंट के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। बॉलीवुड में अब 90s का फॉर्मूला सक्सेस नहीं होने वाला है। बॉलीवुड के बड़े फिल्म मेकर्स अब साउथ के स्टोरी पर डिपेंडेंट रहते हैं, जिसे दर्शक OTT के जमाने में पहले से ही देखकर बैठे होते हैं। कामयाब फिल्म बनाने का एक ही मसाला है, राइटिंग। कहानी में जितना दम रहेगा फिल्म मेकिंग उतनी ही जबरदस्त होगी। अगर मेकर्स को अपने आर्ट से प्यार रहता है तो RRR जैसी सिंपल कहानी वाली फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित होती है। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही फिल्म्स, TV, OTT और वेब सीरीज से जुड़े ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए बेजोर फिल्म्स को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। थैंक यू सो मच।